सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, शिक्षक छात्र अनुपात का जो डाटा है उसे सार्वजनिक किया जाए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद की न्यूज़ है और आप लोगों को ये चीज़ पता है कि बेसिक शिक्षा सचिव जो है उन्होंने सभी जिलों के बीएसए से डाटा मांगा है कि कितने छात्र हैं किस जिले में और उनके अनुसार कितने शिक्षक हैं हर जिले में। और इसमें शिक्षा मित्रों को नहीं ऐड किया गया है, अनुदेशकों को नहीं ऐड किया गया है, केवल शिक्षकों का डाटा मांगा गया है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो शिक्षकों का डाटा केवल मांगा गया है और बच्चों के अनुपात के अकॉर्डिंग, तो इस तरीके से दोस्तों इसको यहाँ पर जो हमारे भाई बहन हैं डीएलएड के जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है उनकी क्या मांग है इसको लेकर के। क्योंकि दोस्तों आपको पता है, जब तक ये पता नहीं चलेगा कि किस जिले में कितने सारे शिक्षकों के पद रिक्त हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात कितना है, जब तक ये सार्वजनिक नहीं होगा तब तक नई वैकेंसी कैसे आएगी और किस आधार पर आप नई वैकेंसी की मांग करेंगे, इसी को लेकर के यहाँ पर देखिए, जो हमारे भाई बहन हैं उन्होंने एक लेटर लिखा है। अब देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक बनने का सपना देख रहे प्रशिक्षितों ने बृहस्पतिवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को ज्ञापन दिया। तो इन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को ज्ञापन दिया। प्रतियोगियों का कहना है कि उप सचिव ने बताया है समस्त जिलों से हम शिक्षकों का आंकड़ा मंगा रहे हैं। ये तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था न्यूज के माध्यम से कि सभी जिलों से डाटा मांगा जा रहा है। अब देखिए, इसके बाद सभी जिलों का आंकड़ा मिलते ही हम शासन को भेज देंगे। प्रशिक्षितों का कहना है कि शिक्षक छात्र अनुपात के संबंध में अभी हाल ही में रिपोर्ट मांगी गई थी सभी जिलों के बीएसए से, समस्त जनपदों का आंकड़ा परिषद को प्राप्त हो रहा है। सभी के सभी जिलों के जो बीएसए हैं वो अपना अपना डाटा भेज रहे हैं कि हमारे जिले में कितने शिक्षक हैं और इन शिक्षकों के अकॉर्डिंग कितने बच्चे हैं, या फिर ये कहें कि बच्चे कितने हैं और उन बच्चों पर शिक्षक कितने हैं और कितने शिक्षकों की कमी है, ये सारा डाटा मांगा गया है उसे सार्वजनिक किया जाए। यानी कि जो डाटा मांगा जा रहा है कि किस जिले में कितने पद रिक्त हैं शिक्षकों के, तो इसका डाटा सार्वजनिक करने की मांग की गई है प्रशिक्षुओं के द्वारा। क्योंकि जब तक सार्वजनिक नहीं होगा तब तक जो नई भर्ती है वो नहीं आएगी। जब ये पता चल जाएगा कि हाँ भारी मात्रा में शिक्षकों की कमी है, तभी जो हमारे भाई बहन हैं जिन्होंने डीएलएड कंप्लीट कर लिया है, डीएलएड कर रहे हैं, सभी के लिए तभी फायदा होगा, तभी हमें ये पता चल पाएगा कि कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं। अब शिक्षक छात्र अनुपात पर आगामी भर्ती निर्भर करती है, क्योंकि जितनी कमी होगी शिक्षकों की उतना सरकार फिल करने की कोशिश करेगी और कहीं ना कहीं आगामी भर्ती इसी पर निर्भर करती है कि किस जिले में कितने पद रिक्त हैं और पूरे प्रदेश में, पूरे जिलों को मिलाकर के पूरे प्रदेश में सहायक अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं। अब देखिए दोस्तों, छात्र शिक्षक अनुपात पर ही, शिक्षक छात्र अनुपात पर ही आगामी भर्ती निर्भर करती है, अतः शिक्षा मित्रों के पदों को पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में न जोड़ा जाए। ये दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो डाटा मांगा गया है उसमें जो शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, उनका डाटा नहीं मांगा गया है, केवल और केवल सहायक अध्यापकों का, प्रधानाध्यापकों का डाटा मिला करके मांगा गया है, यानी कि केवल टीचर्स का डाटा मांगा गया है, ठीक है, ताकि शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, जो प्रशिक्षुओं ने भी ज्ञापन दिया था उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है और ऐसे ही आप लोग लगे रहिए दोस्तों, निश्चित रूप से आप लोगों को कामयाबी मिलेगी और जल्दी ही नई शिक्षक भर्ती हमें देखने को मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही कोई भी अपडेट आती है नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या टेट सीटेट से रिलेटेड, हम आपको तुरंत बताएंगे। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए। यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में भी आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों।